नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित बेंगानी जैन, मैं सीनियर कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन रूंगटा हॉस्पिटल में। आइए आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि पेरीएनल या पेरीनियल एब्सेस। पेरीएनल और पेरीनियल एब्सेस जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन लोग इसको केयर नहीं करते हैं इसके बारे में। दोनों में समानताएँ हैं, दोनों में मवाद बन जाता है। बाल तोड़ होने से एनल एरिया में या उसके आसपास या पेशाब करने की जगह या उसके पीछे या आसपास की जगह पे अगर बाल तोड़ हो जाता है और वो बड़ा हो जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू द साइट या तो पेरी एनल एब्सेस या फिर पेरीनियल एब्सेस होता है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली अगर हम पर्सनल हाइजीन को अगर मेंटेन नहीं करते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में ये रिस्क रहती है, ओल्ड एज पेशेंट्स है, अगर ठीक से क्लीनलीनेस नहीं होता है, हाइजीन को नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं और शुगर कंट्रोल अगर नहीं है डायबिटिक पेशेंट्स का, बहुत ही फ्लक्चुएटिंग शुगर है, तो ऐसे कंडीशंस में जो एब्सेस है बहुत ही बड़ा हो जाता है और विद इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से समय में ही वो बहुत बड़ा हो जाता है, सडनली वो बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में फिर चीरा लगाना पड़ता है। अगर बहुत लोग पेशेंट्स क्या होते हैं कि इसको नज़रअंदाज करते हैं, दवाई लेते रहते हैं और कहीं और दिखाते हैं, सर्जन के पास कंसल्ट नहीं करते, तो ऐसे में क्या होता है पेरीनियल सेप्सिस सेप्टिसेमिया में भी वो कन्वर्ट हो जाता है, फिस्टुला बन जाता है अंदर एनल एरिया की एरिया में या ग्लूटियल रीजन में या फिर पेरीनियल रीजन में वो सेप्सिस का फॉर्म, पेरीनियल सेप्सिस। फिर वो बहुत ही दर्दनाक होता है और इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी मल्टीपल सर्जरीज भी लग जाती है कई बार और वो स्लफ आउट होता है, गैंग्रीन भी हो जाता है। हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि उस एरिया में पूरे पेरीनियल रीजन गैंग्रीनस हो गया है, तो चीरा लगाना पड़ता है, मल्टीपल इंसिशंस, ड्रेनेज, डिब्राइडमेंट, लंबी ड्रेसिंग्स चलती है, बार बार फॉलोअप एंड बहुत लंबा समय लेता है। तो अगर आपको कभी ऐसा बॉयल या कुछ बाल तोड़ या कुछ भी ऐसा वहाँ फुंसी जैसा लगे या छोटे रूप में ही हो, तभी मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप सर्जन से कंसल्ट करें और उसका जल्दी से जल्दी इलाज करें, नहीं तो ये रैपिडली इंक्रीजिंग हो सकता है और ये बढ़ सकता है। तो ऐसे में फिर आपको केयर लेना पड़ता है। सर्जरी के बाद भी मान लीजिए चीरा लगाना पड़ा है तो चीरा हम का अच्छा चीरा लगाते हैं जिसको लिबरल इंसिशन बोलते हैं कि लिबरल इंसिशन लेके पूरा पस को इवैक्यूएट किया है, जो डेड टिश्यू है उसको डिवराइड करते हैं, जितना भी स्लफ्ड एरियाज है उसको डिवराइड करते हैं एंड रेगुलर सिट्स बाथ जो कि बीटाडीन में गर्म पानी डाल के बैठना होता है या फिर ड्रेसिंग्स एंड रेगुलर फॉलोअप एंड अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें सूचरिंग भी कर, सेकेंड स्टेज सूचरिंग जिसको बोलते हैं कि बाद में जब अच्छा ग्रैनुलेशन आ गया है, डेप्थ कम हो गई है, तो वी कैन इन केसेस ऑफ ग्लूटियल रीजन या कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज में हम उसमें सेकेंडरी सूचरिंग की भी कर सकते हैं। पर आइडियली ये प्राइमरी हीलिंग से ही हील होता है जिसमें कि अपने आप ही पेशेंट की जो सेल्फ इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस जो है, दैट इज़ द बेस्ट प्राइमरी हीलिंग जिससे होती है कि ग्रेजुअली ड्रेसिंग कर करके साफ क्लीनलीनेस रखना है एंड सिट्स बात कर करके रेगुलर डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में पेशेंट्स को रहना होता है ताकि वो वुंड असेसमेंट होता रहे, क्या कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है हीलिंग में। आपको न्यूट्रिशनल बिल्डअप बहुत अच्छा रखना होता है, खान पान में खूब ध्यान रखना होता है, तभी वो हीलिंग अच्छी होती है। डायबिटीज़ अगर है तो उसको गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ एंड हाई प्रोटीन इनटेक, न्यूट्रिशनल एंड गुड विटामिन एंड गुड मल्टी ट्रेस एलिमेंट्स का सपोर्ट एंड प्रॉपर ड्रेसिंग्स, ये मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच होती है ऐसे ट्रीटमेंट में, ऐसे केसेस में। तो मेरी ये सजेशन है कि कोई भी आपको अगर प्राइवेट पार्ट्स में या पेरीएनल या पेरीनियल रीजन में कोई भी बॉयल हो या बाल तोड़ हो या कुछ भी आपको स्वेलिंग लंप कुछ भी मिले ऐसा कि जो कि अनयूजुअल है, तो आप ज़रूर कंसल्ट करें, नहीं तो वो जनरली फिस्टुला में बन जाता है और आगे ही आगे बढ़ते जाता है एंड अंदर ही अंदर और बढ़ के वो नासूर भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं रूंगटा हॉस्पिटल में। थैंक यू सो मच।